और इस वक्त बड़ी खबर, एम्स में भर्ती पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का निधन हो गया है। आप जानते हैं 9 अगस्त उन्हें भर्ती कराया गया था और अब ये दुखद खबर मिल रही है कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी हालत काफी समय से नाजुक बताई जा रही थी, हालांकि बीच में इस तरह की भी खबरें आई कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। पहले वो वेंटिलेटर पर थे, फिर उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था और अब ये दुखद खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली नहीं रहे हैं। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। देखिए, इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई है 12:07 पर। उन्होंने आखिरी सांस ली काफी दिनों से, 2 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। अरुण जेटली एम्स में भर्ती थे, बड़े नेताओं का के पहुंचने का सिलसिला काफी लंबे अरसे तक चला। जब 9 तारीख को भर्ती कराया गया था तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी का। रवि, और क्या डिटेल्स सामने आ रहे हैं? देखिए, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है उसने, क्योंकि आप जान रही हैं कि काफी समय से वो वेंटिलेटर पर थे और उनका कहा जाए तो मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ मामला बढ़ा है। पहले से उनको लीवर का प्रॉब्लम था, साथ साथ उनको कैंसर का प्रॉब्लम हुआ और कैंसर के बाद जो प्रॉब्लम आया, हार्ट के प्रॉब्लम आया, जिसके बाद से वो भर्ती थे एम्स में। काफी लंबे समय तक उनका इलाज चलता रहा, फैमिली भी चाह रही थी क्योंकि वेंटिलेटर पर लंबे समय रखा गया उनको। बीच में हालत थोड़ा सुधार हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जेटली के हालत सुधर सकती है और वापस आ सकते हैं, लेकिन दुख की खबर है कि जेटली साहब नहीं बचे हैं और एम्स में बकायदे रिलीज जारी कर इस बात की सूचना दी है। और क्या डिटेल्स एम्स के द्वारा साझा की गई हैं? 12:07 पर उन्होंने आखिरी सांस ली है, कौन कौन से लोग वहां पर मौजूद थे, क्या उसे लेकर भी डिटेल्स आ पाए? देखिए, सारे फैमिली के लोग वहां मौजूद थे। मैं डिटेल्स आपको बताता हूँ कि एम्स ने क्या रिलीज जो जारी किया है उसमें बकायदे ये लिखा गया है, इट इज ए प्रोफाउंड ग्रिफ दैट वी इन्फॉर्म अबाउट द सैड डिमाइज ऑफ अरुण जेटली, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 12:07 पर श्री अरुण जेटली वाज एडमिटेड इन एम्स न्यू दिल्ली ऑन 9/8/2019 एंड वाज ट्रीटेड बाई अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ऑफ सीनियर डॉक्टर। देखिए, पूरे परिवार के लोग साथ में थे और साथ ही बीजेपी की तरफ से लगातार, आप देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन आज गए थे मिलने के लिए, पूरे सारे डॉक्टरों की टीम उनके साथ थी। फैमिली में उनकी पत्नी वहां थी, उनकी बिटिया उनके साथ थी, उनके बेटे जो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। लगातार ये लोग आना जाने, चूंकि घर बहुत दूर नहीं है जी। और बीजेपी की तरफ से आपको बता दूं कि 9 तारीख से लेकर आज तक बीजेपी ने पूरे सिस्टम बना रखा था कि 2-2 घंटे की ड्यूटी लगी हुई थी तमाम लोगों की। रवि, मैं आपके पास आऊंगी। पूजा मक्कड़ मेरी सहयोगी साथ जुड़ गई है। पूजा, आपके पास और क्या डिटेल्स हैं? जो रिलीज है उसमें 2 बातें कही गई हैं कि 12:07 पर उन्होंने आखिरी सांस ली, 9 तारीख को भर्ती कराया गया था और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम थी सीनियर डॉक्टर्स की। पूजा, आप मुझे सुन पा रही है? पूजा तक लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रवि त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, आप बता रहे थे कि कैसे बीजेपी द्वारा वहां पर नेताओं की वर्धन एम्स में मौजूद है, पहुंचे हुए थे पहले से ही, चूंकि उनको जानकारी दी गई थी, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर है और लगातार वो मॉनिटर कर रहे थे इस मामले को। उसके अलावा दिल्ली के जितने नेता हैं अब एक एक करके पहुंचना शुरू हुए हैं, क्योंकि अनाउंसमेंट 12:07 पर हुआ और उसके बाद लोगों को जानकारी मिलने शुरू हुई है। प्रधानमंत्री भी देश से बाहर हैं, आपको पता है कि प्रधानमंत्री लौटेंगे, आज देर रात तक लौटेंगे या कल सुबह तक लौटेंगे। इसके अलावा अमित शाह दिल्ली में, हालांकि अमित शाह अभी पहुंचने वाले हैं, राजनाथ सिंह पहुंचने वाले, धीरे धीरे करके एक एक करके उसमें तमाम नेता पहुंचेंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि 9 तारीख के बाद से लगातार नेताओं के मिलने का सिलसिला, क्योंकि सुषमा जी के जाने के तुरंत बाद ये खबर आई कि जेटली जी की तबियत खराब हुई और उनको भर्ती कराया गया और शुरू से ही उनकी हालत क्रिटिकल थी। तो उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री 2-2 बार गए मिलने के लिए उनसे, और बीजेपी का शायद ही कोई नेता बचा होगा, विपक्ष का भी मैं बता रहा हूँ, विपक्ष में गुलाम नबी आजाद से लेकर तमाम नेताओं ने जाकर उनका हाल चाल जाना, और देश भर से जितने नेता हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, बिहार के मुख्यमंत्री हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, या मायावती हो, हर कोई उनका हाल चाल पूछने के लिए एम्स पहुंचा पिछले 2 हफ्तों में। पूजा मक्कड़ हमारे साथ जुड़ गई है। पूजा,
एम्स की तरफ से जो रिलीज शेयर की गई है उसमें कुल मिलाकर तीन बातें हैं. एक तो ये कि 9 तारीख को भर्ती कराया गया था, 12:07 पर आखिरी सांस ली और साथ ही सीनियर डॉक्टर्स की एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम थी जो उन्हें ट्रीट कर रही थी. जी बिल्कुल. इसके अलावा जो बड़ी बात है, अरुण जेटली जी की सेहत जिस वजह से खराब हुई, कल शाम से उनके इंटेस्टाइन में यानी आंत में इन्फेक्शन बढ़ गया था. इससे पहले उनको ब्लीडिंग भी हुई थी, हालांकि उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जा रहा था यानी कि खून चढ़ाया जा रहा था खून की कमी की वजह से, और उसके बाद से उनको ब्लीडिंग शुरू हुई और साथ ही साथ इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन बढ़ने के बाद हालात काबू से बाहर होते गए. हालांकि पिछले कुछ दिनों की बात करें तो डॉक्टर्स अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे और 2-4 दिन पहले ऐसी भी खबरें सुनने में आई थी कि उनकी हालत में थोड़ा सा सुधार हुआ है, इन्फेक्शन के लेवल में थोड़ी सी बेहतरी आई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं साफ हो गया था. डॉक्टर्स ये इशारा जरूर कर रहे थे कि घर जाना बहुत मुश्किल है, ये कहना बहुत मुश्किल है कि हालात बेहतर हो पाएंगे. वेट एंड वॉच की स्थिति जरूर बनी हुई थी और जैसा कि डॉक्टर आखिरी सांस तक कोशिश करते हैं, अरुण जेटली के मामले में भी कोशिश यही की गई कि किसी तरह से सेहत में सुधार हो पाए और कोई बेहतरी की खबर आ पाए. लेकिन सच यही था कि उसकी उम्मीद बहुत कम थी. एक बार पहले इस बीच अरुण जेटली को हार्ट अटैक भी आया था और उसके बाद से हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे थे. फिर ब्लड में इन्फेक्शन होना और उसके बाद धीरे धीरे हर एक ऑर्गन पर असर पड़ना, ये शुरू हो चुका था और कई दिनों से लगातार पूरी तरह से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर अरुण जेटली चल रहे थे. किडनी जो थी उनकी वो डायलिसिस पर चल रही थी, हार्ट जो था वो मशीन्स के जरिए पंप किया जा रहा था और ऑक्सीजन के जरिए उनको सांस दिलाई जा रही थी. लेकिन लंबे वक्त तक क्योंकि उनका ब्रेन एक्टिव था, उनका दिमाग ठीक तरह से काम कर रहा था और हार्ट की पंपिंग स्लो होने के बाद भी दिल लगातार काम कर रहा था, तो इसलिए डॉक्टर्स भी लगातार कोशिश में थे कि किसी तरह से अगर कोई सुधार हो पाए तो उसकी कोशिश की जाए. लेकिन जो सबसे बड़ी मुश्किल बनी वो जब इन्फेक्शन ब्लड में फैलता चला गया और उसके बाद वो इंटेस्टाइन तक पहुंच गया. और ये भी हम लोगों को याद रखना होगा कि अरुण जेटली किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके थे, तो जो किडनी उनकी चल रही थी वो उनकी अपनी किडनी नहीं थी. डायबिटीज उनकी बहुत ज्यादा कंट्रोल से बाहर थी और एक वेट लॉस की सर्जरी भी अरुण जेटली ने कराई थी, उसके परिणाम भी 2014 और 16 में बहुत बेहतर नहीं आए थे. तो उसको देखते हुए इतनी कॉम्प्लिकेशंस अरुण जेटली के हेल्थ कंडीशन में थी कि बहुत ज्यादा कुछ कर पाना बहुत मुश्किल था. 9 अगस्त को जब अरुण जेटली को लाया गया तब से लगातार यही खबरें हमें मिल रही थी कि अरुण जेटली की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत क्रिटिकल है. एक दो बार जरूर ऐसी खबरें सुनने को मिली कि थोड़ी बेहतरी हुई है, लेकिन आखिरकार आज दोपहर 12:07 पर यह सूचना एम्स की तरफ से ऑफिशियल की गई कि अब उनका निधन हो गया है.